वेलकम बैक, नाम साहिल है। आज आपके साथ एक और स्टोरी आज शेयर करने आया हूँ। उस स्टोरी से मुझे लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आज भी मैं वो स्टोरी अभी दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ तो उस स्टोरी के साथ और भी बहुत सारे लोगों को एक नई सीख मिलती है। तो एक बार की बात होती है कि एक गाँव के अंदर एक मेला लगा होता है एंड उस मेले के अंदर एक गुब्बारे वाला आता है अपनी गुब्बारों की सेल करने के लिए। तो जब वो क्या देखता है कि जब वो गांव के अंदर एंटर होता है तो एंटर करते ही लोग बच्चे छोटे छोटे उसके पास आते हैं और गुब्बारे लेना शुरू कर देते हैं। तो वो एक ट्रिक यूज़ करता था, जब उसको फील होता था कि अब मेरे गुब्बारों की जो बिक्री है वो कम हो गई है और वो बच्चों को एक्साइटमेंट करने के लिए गुब्बारे के अंदर एक हीलियम गैस यूज़ करता था और उसके अंदर भर के उसको उड़ा देता था। जब वो गुब्बारा आसमान में जाता था और लोग बच्चे देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और फिर उसके पास गुब्बारे लेने के लिए पहुँच जाते थे। तो जैसे उसने ये तरीका यूज़ करा उसके गुब्बारे की बिक्री और बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे उसको जब फील हुआ उसने ये तरीका उसने यूज़ करा, तो जब वो एक बार गुब्बारा भर रहा था तो उसके पास एक छोटी सी बच्ची आई, उसका कोट खींचने लगी। जब गुब्बारे वाले ने उसकी तरफ देखा एंड उस बच्ची ने गुब्बारे वाले को एक क्वेश्चन पुट आउट किया, एक सवाल करा कि अंकल ये काले रंग का गुब्बारा है, क्या ये ऊपर जाएगा? तो इस गुब्बारे वाले ने उस प्यारी सी बच्ची को बहुत अच्छा एक आंसर दिया। कहते बेटा, कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति अपने रंग और अपने कद की वजह से पहचाना नहीं जाता। अगर उसकी पहचान होती, अगर उसकी शख्सियत बनती है, वो उसके अंदर से भरे हुए उसके एटीट्यूड की तरफ से वजह से होती है। सेम अगर वो गुब्बारे के अंदर वो हीलियम गैस भरेगा वो गुब्बारा आसमान की तरफ जाएगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर भी होता है कि आप कैसे दिखते हो, कहाँ से हो, कैसे हो, ये मैटर नहीं करता। आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ को लेकर क्या है मैटर इस चीज़ से करता है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार अगर एक इंसान चाहे अपनी लाइफ को बदलना तो उसको अपनी लाइफ को बदलने से पहले उसको अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। अगर कहते हैं कि सर जैसा दृष्टि तथा सृष्टि, कि आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे आपको ये दुनिया वैसे ही दिखेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपको एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ लेके आए बहुत जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।